तो रिसेंटली मैंने एक आर्टवर्क बनाया था अपने इंस्टाग्राम पर एंड आप लोगों को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। बहुत सारे लोगों ने उसके ब्लेंडिंग की काफ़ी तारीफें की थी एंड बहुत दिन हो गए थे मुझे यूट्यूब पे कोई भी वीडियो नहीं बनाते हुए। तो मैंने आज फाइनली डिसाइड किया कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वो सारी टेक्निक्स जो मैं यूज़ करता हूँ अपने आर्टवर्क में, किस तरीके से मैं फ़ोटोज़ को ब्लेंड करता हूँ, और उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर फोटोशॉप में एंड ये रही उस आर्टवर्क की PST फाइल। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से रख दिया है। तो हम यूज़ करने वाले हैं इन स्टॉक इमेजेस का, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से जाके इनको डाउनलोड कर सकते हो। तो सारे पिक्चर्स को डाउनलोड करने के बाद उसको आप अपने नए प्रोजेक्ट फाइल में यहाँ पे इंपोर्ट कर लें। अब यहाँ पे मेन काम होगा पिक्चर्स की सिलेक्शन और मास्क। तो हम अपने सारे चीज़ों को यहाँ पे सेलेक्ट करके जो बैकग्राउंड है उसको हम कट कर लेंगे और जहाँ जहाँ हमें अपने कंपोजिशन में सब्जेक्ट्स को प्लेस करना है वहाँ पर हम इनको प्लेस कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने सारी चीजों को प्लेस कर दिया है। अब बात आती है मेन काम की, जो है ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग को बताने से पहले कुछ चीजें का ध्यान आपको रखना है। ब्लेंडिंग को मैं यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा जिसको आपको एक एक करके मैच करना होगा। सबसे पहले आता है ल्यूमिनोसिटी, जो बेसिकली होता है पिक्चर की ब्राइटनेस वैल्यू। अब ये आप अपने थीम के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। मान लो अगर आपको एक रात का सीन करना है तो आपको सारी सब्जेक्ट्स और बैकग्राउंड को डार्क करना होगा। और इसके बाद आता है कलर, आपको सारे कलर्स मैच करने होंगे सब्जेक्ट के और बैकग्राउंड के भी। और फाइनली आता है हमारा हाइलाइट्स और शेडोज, तो यहाँ पर हम शेडोज और हाइलाइट्स डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ल्यूमिनोसिटी को मैच करने के लिए हम यूज करेंगे एडजस्टमेंट लेयर्स का। अब एडजस्टमेंट लेयर में आपको ढेरों ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन आप यहाँ पे गिने चुने एडजस्टमेंट लेयर को यहाँ पे यूज करोगे ब्राइटनेस लेवल को कम या ज्यादा करने के लिए। तो ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, तो मैं यहाँ पे इजी एडजस्टमेंट लेयर्स का यहाँ पे यूज करूंगा, जैसे कि ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट हो गया या फिर लेवल्स हो गया। कर्व्स में इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और जो बिगिनर्स हैं उनको समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो मैं यहाँ पे लेवल्स और ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ चीज़ों को मैच करने के लिए। हम अपने थीम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर मैं एक डार्क स्पूकी हाउस यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ। तो थोड़ा ऐसे शाम का टाइम मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, तो चीज़ों को मैं थोड़ा यहाँ पे डार्क कर दूंगा। अब यही सेम प्रोसेस मैं सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर यहाँ पे दोहराऊंगा। अब मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ जिससे आप ब्राइटनेस के जो इंटेंसिटी है उसको आप चेक कर सकते हो। तो आपको एक सॉलिड कलर एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पे लेना है और यहाँ पे आपको एक ग्रे कलर यूज करना है। आप चाहे तो व्हाइट या फिर ब्लैक भी यूज कर सकते हो, बट मेक श्योर जो सैचुरेशन वैल्यू हो वो 0 हो। फिर उसके बाद हम ब्लेंड मोड्स में जाएंगे और वहाँ पे जाके हम कलर चूज़ करेंगे। सिंस हमारी जो कलर की वैल्यू है वो 0 है, तो हमारे कॉम्पोजिशन से जितने भी कलर्स थे सारे हट जाएंगे और हमारे पास बचा रह जाएगा सिर्फ पिक्चर की ब्राइटनेस वैल्यू। और यहाँ पर जाकर आप इजीली यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो कम है या ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये गाड़ी है इसकी जो डार्कर वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं लेवल्स यूज़ करके इसको मैं थोड़ा यहाँ पे कम कर दूंगा कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके को यूज़ करके आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट की जो इंटेंसिटी है वो कितनी ज़्यादा है और आप अपने हिसाब से इसको यहाँ पे कम भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को यहाँ पे डार्क कर दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है कलर्स। अब बात करते हैं कलर्स को मैच करने का। तो कलर्स को मैच करने के लिए मैं स्पेशली 2 एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पे यूज़ करता हूँ। सबसे पहले आता है हमारा कलर बैलेंस, फिर आता है हमारा सेलेक्टिव कलर एडजस्टमेंट लेयर। ये दोनों एडजस्टमेंट लेयर हैं जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ कलर्स को यहाँ पे मैच करने के लिए। तो हमारा जो थीम है वो एक डार्क और एक स्पूकी हाउस का थीम है, तो मैं यहाँ पर हल्की सी रात वाली जो थीम है वो यहाँ पर मैं डालूँगा। तो उसके लिए मैं मुझे हल्का सा एक ब्लूइश टिंट यहाँ पर मैं दूँगा और
ये जो सेम कलर है वो सारे सब्जेक्ट्स पे मैं यहाँ पे अप्लाई भी कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से आप इन सारे कलर्स को यहाँ पे मैच कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारी फाइनल पार्ट्स की, जो है हाइलाइट्स और शेडोज। तो हाइलाइट्स और शेडोज ऐड करने से पहले हम अपने जो कंपोजिशन में थोड़ी लाइटिंग है उसको हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो उसको करने के लिए मैं यूज करता हूँ एक्सपोजर एडजस्टमेंट लेयर का। और मैं एक सॉफ्ट राउंड ब्रश लेता हूँ, उसको फ्लैट करके जहाँ जहाँ मुझे लाइटिंग थोड़ी बहुत चाहिए वहाँ पर मैं ऐसे इस तरीके से यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। और सेम प्रोसेस मैं यहाँ पे इस घर के ऊपर भी यूज़ करूँगा ताकि जो हमारा ओवरऑल कंपोजिशन है वो थोड़ा अच्छा यहाँ पे निकल के आए। अब बारी है शेडोज ऐड करने की। तो शेडोज ऐड करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ एक न्यू लेयर का और ब्लेंड मोड्स में जाके मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ मल्टीप्लाई। अब आपको एक कलर पिकर टूल की मदद से अपने कॉम्पोजिशन की सबसे डार्क वैल्यू या फिर सबसे डार्क कलर जो है आपको वो चूज करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं, वो एकदम फ्लैट ब्लैक कलर यहाँ पे यूज करते हैं जो कि बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगता। तो आपको अपने कॉम्पोजिशन की सबसे डार्केस्ट कलर जो है वो चूज करना है और एक सॉफ्ट राउंड ब्रश से जिसको आप फ्लैट करके बिल्कुल कम ओपेसिटी में आप यहाँ पे पेंट कर सकते हो अपने शेडोज। और जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है आपको उसी डायरेक्शन में यहाँ पे पेंट करना है शेडोज को, कुछ इस तरीके से। और यही सेम टेक्निक हम अपने सब्जेक्ट के ऊपर भी चूज करेंगे। जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है हमें उसी डायरेक्शन में यहाँ पे एक हल्का सा शेडो यहाँ पे क्रिएट करना होगा। अब बढ़ते हैं हमारे हाइलाइट्स की तरफ से। तो हाइलाइट्स ऐड करने के लिए मैं यूज करता हूँ यू एंड सैचुरेशन एडजस्टमेंट लेयर का। यहाँ पे आपको कलराइज बॉक्स को चेक कर लेना है एंड ब्लेंड मोड्स में मैं हमेशा स्क्रीन या फिर लीनियर डॉज, इन दोनों में से कोई एक ब्लेंड मोड में यूज करता हूँ हाइलाइट्स को ऐड करने के लिए। अब इन्वर्टेड मास्क टेक्निक की मदद से मैं मास्क को इन्वर्ट करूंगा और जहां जहां मुझे लाइट्स ऐड करने हैं वहां पर मैं एक व्हाइट कलर से यहाँ पे मैं पेंट कर दूंगा। हाइलाइट्स के रिगार्डिंग मैंने डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बना करके रखा है, आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हो। सेम प्रोसेस मैं इस गाड़ी के ऊपर भी यहाँ पे यूज करूंगा और जहां जहां आपको हाइलाइट्स ऐड करने हैं आप सेम एडजस्टमेंट लेयर का यूज यहाँ पे कर सकते हो। अब आ रही है पिक्चर में थोड़ी बहुत डेप्थ ऑफ फील्ड ऐड करने का, क्योंकि हमारा जो फोरग्राउंड है और बैकग्राउंड है उसमें हमें डिस्टेंस का कोई भी पता यहाँ पे नहीं चल रहा है। तो एक डेप्थ ऑफ फील्ड ऐड करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे मिस्ट या फिर फॉग का। उसके लिए मेरे पास अलग अलग ब्रश प्रीसेट्स हैं तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा और काफी कम कैपेसिटी में अराउंड 10 या 15 मैं सेट करके यहाँ पे मैं जो फॉग है वो इसको मैं यहाँ पे पेंट करूंगा। तो अब ऐड करते हैं थोड़े बहुत कलर्स हमारे घर के ऊपर। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लूंगा एक सॉलिड कलर एडजस्टमेंट लेयर और जो कलर आपको पसंद है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। उसके बाद मार्की टूल से जो विंडोज हैं मैं वहाँ पे उसको सेलेक्ट करूंगा और जो सेम फॉग ब्रश था उसकी मदद से मैं यहाँ पे घर के अंदर थोड़ी बहुत यहाँ पे पेंटिंग भी कर दूंगा। थोड़ा बहुत ग्लो ऐड करने के लिए हम यूज करेंगे एक न्यू लेयर का, फिर ब्लेंड मोड्स में जाके हम सॉफ्ट लाइट या हार्ड लाइट यहाँ पे चूज कर सकते हैं और फिर एक सॉफ्ट राउंड ब्रश से हल्का फुल्का जो हमें ग्लो ऐड करना है वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे ताकि हमारा जो आर्टवर्क है वो थोड़ा और अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखे। तो गाइस ये थे कुछ तरीके जिसकी मदद से मैं फोटोज को यहाँ पे ब्लेंड करता हूँ। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो है कलर ग्रेडिंग का। तो कलर ग्रेडिंग के रिगार्डिंग मैं डिटेल में एक अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। आज की वीडियो थी सिर्फ ब्लेंडिंग के रिलेटेड कि मैं कैसे अलग अलग पिक्चर्स को लेता हूँ अपने कॉम्पोजिशन में और थीम के अकॉर्डिंग मैं चीजों को ब्लेंड करता हूँ। और मैंने आपको कौन कौन से एडजस्टमेंट लेयर भी मैं यूज करता हूँ वो भी मैंने आपको यहाँ पे मैंने बता दिए हैं। अगर आपके पास थोड़ा और समय है तो आप मेरी तरह थोड़े और एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपने कॉम्पोजिशन में
ताकि आपका जो आर्टवर्क है वो थोड़ा और अच्छी तरीके से निखर के आए। मैंने आपको बेसिक्स यहाँ पे बता दिए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।